दरवाजा खुला छोड़ दिया। हेलो KID, जो लोग अपना दिमाग घर रख के कमकल्स देखने गए थे उन सबके दिमाग गए। इसका मतलब है कि राजीव नापसंद को दिमाग की चोरी के बारे में कुछ पता है। पता करो अभिजीत भट्टाचार्य की वो कौन था जो लोगों के दिमाग चुरा कर राजीव नापसंद को भी मारना चाहता था। पता करो किसका हाथ है इस राज के पीछे। मायापुरी किंग स्टार, यहां तक कि सरस सलील भी हमसे ज्यादा बिक रहा है। करीना के भाई के बेडरूम में कौन आता जाता है इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे शाम तक चाहिए, समझे? Where are the serious journalists? Yeah? हम बताते हैं। Get lost! पर आप लोग हैं कौन? हम KID से हैं। KID? आपस में फुसफुसाना बंद कीजिए। Who are you? You're unbelievable. मैं इस मैगजीन का CEO। Good. इसे पहचानते हैं? Unbelievable. ये तो राजीव नापसंद है। हमारे क्रिटिक फोलियो कराए गए इन्होंने। जी हाँ। और उसके बाद उन्हें मारकर लाश बना दिया गया है। आपस में मरमराना बंद कीजिए। सर, लाश तो बहुत अच्छा आदमी था, भला लाश को कोई क्यों मारेगा? हम लाश के घर से ही आ रहे हैं। लाश मर चुका है, लाश इज डेड। अब ये बताइए कि लाश की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी, हैं? That's not just unbelievable, it's unimaginable. लाश का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, सब उसे पसंद करते थे। बट एक वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे हमेशा एंड में याद आती है, लाश का फिल्म मेकर पाजिद खान के साथ बुरी तरह से झगड़ा हुआ, और जब लाश ने पाजिद खान की कमकल्स देखकर उसको -3.5 स्टार दिए थे, तब पाजिद खान ने लाश को लाश बनाने की धमकी दी। सर, ये तो वही फिल्म है जिसको देखते वक्त सारे शहर के दिमाग चोरी हो गए थे। इनफैक्ट सर, निशा और उज्जवल भी यही फिल्म देखने गए थे। हो ना हो, तब्बू, इस पाजिद खान का खून से और दिमाग की चोरी से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। मैं बता रहा हूँ सर आपको, आपके बेटे को इससे बेहतर लॉन्च मिल ही नहीं सकता। अरे तो क्या हुआ सर, अगर 3 साल का है तो आलिया भट्ट को कास्ट कर लेंगे उसके पोजीशन से। सेम एज पेयरिंग हो जाएगी, बहुत क्यूट लगेंगे दोनों। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है पाजिद खान, बाहर आ जाओ। डर, इधर ओए खड़ा। मुझे लगा अक्षय आ गया था, लेकिन आप लोग कौन? हम लोग KID से हैं। KID? आपको क्या चाहिए? फिलहाल तो एक बोतल पानी चाहिए। थैंक यू। ओए मुंह मत लगाना, आ करके बिना। मिस्टर पाजिद खान, हम आपसे राजीव नापसंद उर्फ लाश के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हमें पता चला है कि आपने लाश को लाश बनाने की धमकी दी थी, हैं? ओए पाजिद खान की हर फिल्म को 1-1 स्टार देके सर ने इतने पैसे कमा लिए कि रोज 5 स्टार में खाना खाता है, तो धमकी तो दूंगा ही। अच्छा, तो इसीलिए कल सुबह 8:12:17 पे तुमने उसका खून कर दिया। खून? ACP साहब, काश पाजिद खान ने ऐसा किया होता, लेकिन कल 8:12:17 पे पाजिद खान अपने पाली हिल्स वाले फार्म हाउस की छत पे सूर्य नमस्कार कर रहा था। ये देखिए उसका प्रूफ, फार्म हाउस की CCTV कैमरास की फुटेज, ये मेरे नेबर की अलबा है। मैं सुबह 8:12:17 पर जब अपने छत पर गया तो देखा कि पाजिद खान द ग्रेट फिल्म मेकर, जिनकी सारी फिल्में हिट होती हैं, वो अपने छत पर सूर्य नमस्कार कर रहे थे। और ये मेरे कुत्ते का साइन करना। हाँ हाँ, समझ गए। लेकिन आपकी पिक्चर के दौरान जो दिमाग की चोरियां हुई हैं उनका क्या? पाजिद खान दिमाग सड़ा सकता है, पका सकता है, यहाँ तक कि दिमाग का दही बना के खा भी सकता है, लेकिन दिमाग चुरा नहीं सकता। दिमाग की चोरी, ये तो बहुत सही आइडिया है। आप लोग 15 मिनट देंगे, मैं इस आइडिया पे स्क्रिप्ट लिख के आता हूं, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। पाजिद खान के ऑफिस में हमें कोई भी सुराग नहीं मिला, और जो सबूत उसने दिए उसके बिना पर इस पे बिल्कुल शक नहीं जाता। इसका मतलब समझे निर्दया? अब इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका मतलब है कि जिस पे शक नहीं होता वही मुजरिम निकलता है। पता करो अभिजीत भट्टाचार्य की ये कहां उठता है और कहां बैठता है। पता करो। सालुंग के लैब चलते हैं। बस मैंने अब सारे वीडियोस को और फोटोज को इस पेन ड्राइव के थ्रू इस मशीन में कैद कर लिया है। सर,
ये पेन ड्राइव तो बड़ी कमाल की चीज है, आप इसे मेरी इस हार्ड डिस्क में डाल दीजिए। खैर, अब हम इस फोटो को कभी भी देख सकते हैं, और मैं चाहूं तो बॉस इसमें एमएस पेंट से ड्राइंग या सीनरी भी बना सकता हूं बॉस। सलून की क्या मैं पाजिद खान को और करीब से देख सकता हूं? बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। थोड़ा और जूम करो। माय गॉड, क्या हुआ सर? पाजिद खान के टेरेस पे आमचूर सूख रहा है, ये देखो। हैं? आमचूर? पर सर मेरी मम्मी तो छत पे सिर्फ तिल के पापड़ सुखाती है। नहीं अभिजीत भट्टाचार्य, छत पे तो आमचूर ही सूख रहे हैं। इसका मतलब पाजिद खान को खाने के बाद आमचूर खाने का शौक था। और क्यों ना हो, जब टेस्ट खट्टा मीठा हो और पचाने में भी मदद करे तो फिर कोई आमचूर क्यों ना खाए। बॉस, पाजिद खान चोर नहीं है। पिछले ही एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि चोर को खाने के बाद आइसक्रीम खाने का शौक है बॉस। बट सर, अगर चोर आमचूर खाने के बाद आइसक्रीम खाता हो तो? थ्योरेटिकली पॉसिबल है निर्दया, लेकिन आमचूर का टेस्ट मुंह से जाता नहीं है। पर सर, बोलिए बोलिए श्रीदेवी जी। सर, इसका मतलब है कि पाजिद खान ने दिमाग की चोरी नहीं की? नहीं सरीना जेटली, मेरा शक आज तक कभी गलत नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है दिमाग के दही और पाजिद खान के बीच में। हेलो, क्या? आई लव यू टू। CashCaro.com से मेरा कैशबैक वापस आ चुका है, अब मैं तुम सबके पैसे लौटा दूंगा। चलो निर्दया, क्लाइमैक्स का ट्विस्ट लाने की तैयारी करो। अरे 40 क्या, 42 रखिए। अरे बहुत पैसा है आज मेरे पास। ओह माय गॉड सर, ये तो लॉक है, लगता है तोड़ना पड़ेगा। तो देख क्या रहे हो निर्दया। सर हर बार दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंडी तो लगी है, मैं खोल देता हूं। जल्दी करो अभिजीत भट्टाचार्य, फिर महालक्ष्मी भी जाना है। थैंक यू। आज तेरी वजह से सारे दिमाग मेरे पास है। बस अब कमकल्स के कुछ और शोज की देर है, उसके बाद सारी दुनिया के दिमाग मेरी मुट्ठी में होंगे। हो गया सर। गुड, चलो। पाजिद खान का घर। निर्दया सर, तुम जाके पाजिद खान को ढूंढो। अभिजीत भट्टाचार्य, तुम जाके दिमागों को ढूंढो। और परिणीति चोपड़ा सर, तुम चाय बनाओ। ओके सर। मैं पेशाब करके आता। और फिर मैं हिम्मत वाला 2 रिलीज कर दूंगा और वो इस दुनिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी। सबसे बड़ी हिट फिल्म। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। केडी, हैंड्स अप, नील डाउन, मुर्गा बनाओ। जम नहीं रहा, खड़े हो जाओ। माय गॉड, दो दो पाजिद खान, ये कैसे हो सकता है सर? वही तो, ये कैसे हो सकता है? तुम में से असली पाजिद खान कौन है? सर मैं हूं सर, आपका दोस्त और होस्ट पाजिद खान। मैं तो फिर ये कौन है? ये मेरा हमशक्ल है सर, दुश्मन और जज पाजिद खान। 7 साल पहले इसने मुझे और मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को किडनैप कर लिया था सर। 7 साल पहले? तो फिर आपकी सारी फिल्में किसने बनाई? इसी ने सर। आपको लगता है वो फिल्में मैं बना सकता हूँ सर? सर मैंने कहने में क्या हार से बनाई थी सर, तो 21 पे 1 बनाई थी मैंने। इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए सर, इसने मेरा पूरा नाम मिट्टी में बना दिया। अब तो सर आशुतोष गवारीकर का भी फोन नहीं आता सर। बस साले दिमाग मुझे पता है कि आईडी में थप्पड़ पड़ता है तो लोकेशन चेंज हो जाती है। मेरे मोबाइल की बैटरी लो है, चार्जर ले लूं? हाँ, मैंने चुराए सारे दिमाग। गुरुद्वारा से चप्पल चुराता था पहले, लेकिन एक दिन मैंने मेरे हमशक्ल को टीवी पे कॉमेडी करते हुए देखा और मैंने उसे किडनैप कर लिया। और उसके बाद
उसके नाम पर ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म बनाने लगा। और क्यों नहीं बनाओ बिना दिमाग वाली फिल्म? ये साइडी राठौड़, फेकता टाइगर, भाइयों, ये सब ऑडियंस ही तो पसंद करती है। लेकिन जब मेरी हिम्मत वाला फ्लॉप हो गई तब मुझे समझ में आ गया कि मुझे दिमाग और दिमाग वाले लोगों को खत्म करना होगा। इसलिए पैसे के लिए मैंने पहले सारे दिमाग चुराए और फिर राजीव नापसंद का खून कर दिया। तुझे फिल्में बना के पैसे कमाने थे तो मुझे बोल देता, मैं मोहित बेसुरे से टॉरेंट ले आता। सर ये टॉरेंट तो बड़ी कमाल की चीज लगती है, ये मेरी इस हार्ड डिस्क में डाल दीजिए। मैं कहता है मुझे माफ कर दो, उससे गलती हो गई। माफ नहीं, तुम्हें साफ कर दिया जाएगा। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर मल्टीग्रेन आटा पीसना। केआईडी कभी किसी को माफ नहीं करती। ना 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 रे ना रे ना।